WWE का हॉल ऑफ फेम की जो इंडक्शन सेरेमनी है वो भी खत्म हो चुकी है एंड फाइनली हमारे रे मिस्टीरियो का हॉल ऑफ फेम इंडक्शन हो चुका है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यप, लास्ट टाइम हमने अंडरटेकर की हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी देखी थी, जहां पर टू बी ऑनेस्ट में हल्का सा हुआ था यार ये बंदा क्यों रिटायर हो रहा है। एंड आज रे मिस्टीरियो ने भी अपनी पूरी स्ट्रगल स्टोरी बताई, क्या कुछ कहा उन्होंने हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी के अंदर, उसके बारे में बात करने की चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और आज डोमिनिक यहां थोड़ी बहुत, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब होता है सबसे पहले पूरी जो बाकी हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनीज है वो हो जाती है, हमारे स्टेसी हो गए, अल्टीमेट वॉरियर अवार्ड हो गए, सभी मिलता हुआ नजर आया। एंड अल्टीमेटली आखिर में कॉनन आते, कॉनन पहले एक लंबा चौड़ा 15-20 मिनट का इंट्रोडक्शन देते रे मिस्टीरियो को लेकर, उनके पूरे करियर को लेकर। एंड फाइनली वहां से रे मिस्टीरियो की एंट्री हो जाती है। जब रे मिस्टीरियो की एंट्री होती है, रे आते, सभी साथ मिलाते हैं ए टू जेड, जितने भी बड़े बड़े लोग वहां बैठे जैसे ट्रिपल एच हो गए, ड्रू मैकइंटायर हो गए, सभी से गले वगैरह मिलते हैं, सब खड़े होते हैं, लेकिन रिया रिप्ली, डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वहां बैठे होते हैं, और गाइस फिन बैलर भी कहीं पे होंगे तो बैठी थे आराम से, यानी कि जजमेंट या ऑफ कोर्स उनके खिलाफ थी। तो रे मिस्टीरियो तो एकदम जाते भैया सबसे गले वाले मिलते हैं, और डोमिनिक चौड़ में भाई चेयर में बैठे थे रिया रिप्ली के साथ में, मतलब बंदा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। चलो फाइनली रे मिस्टीरियो इस चीज को इग्नोर करते हुए इनके बीचों बीच में आते हैं, और वो कहते हैं मैं तुम लोगों को एकदम स्टार्टिंग से अपने एक स्ट्रांग साइड दिखाता हूं, तो इसलिए मुझे इमोशनल तुम लोग बिल्कुल मत करो, तुम लोग जो मेरे यहां पर चैंट्स वगैरह करो तुम लोग मुझे रुला डालोगे, ऑलरेडी मेरे आंखों से बहुत आंसू आ रहे। तो कुछ इस तरीके से रे मिस्टीरियो ने अपनी लंबी चौड़ी स्पीच की शुरुआत की। अब वो स्टार्टिंग से अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताते हैं, किस तरीके से उनके जो अंकल थे यानी कि रे मिस्टीरियो सीनियर, वो अभी फिलहाल एक ट्रेनिंग स्कूल चलाते थे, वहां जाके रे मिस्टीरियो जब 5-6 साल के थे उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू किया, उनके अंकल ने उन्हें बहुत तगड़ा चॉप मारा जो कि उनकी छाती में बहुत तेज लगा था। फिर रे मिस्टीरियो बताते किस तरीके से किसी भी तरीके से वो पास आउट हुए, और उसके जाके अल्टीमेटली जब उन्हें रेसलिंग का लाइसेंस मिलने की बारी आई, तो बात ये आ गई कि रे मिस्टीरियो एक अंडर एज थे, वो 15 साल के थे, तो उस टाइम उन्हें लाइसेंस मिल नहीं पाया। लेकिन हुआ क्या, फिर उसके बाद उनके जो फादर, उन्होंने एक अंडरटेकिंग साइन की, जहां पर यह था कि भाई अगर रे मिस्टीरियो को कुछ भी हो जाता है रेसलिंग करते टाइम पे, तो जो कंपनी वगैरह होगी वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगी इस चीज के लिए, रे मिस्टीरियो की जो फैमिली है वही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और रे मिस्टीरियो खुद ब खुद, क्योंकि वो अपने रिस्क पे कम्पीट करेंगे। अब रे मिस्टीरियो को जब फाइनली लाइसेंस मिल जाता है, उनके जो फादर कह रहा हूँ सॉरी, जो उनके अंकल रे मिस्टीरियो सीनियर थे, उसके बाद भी वो बताते हैं उन्हें बुकिंग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, उन्हें लिटरली बहुत कम बुकिंग मिला करती थी, और उसका रीजन ये था कि उनकी हाइट बहुत छोटी है, और कोई उन पे बिलीव करता नहीं था कि हाँ भाई ये बंदा भी एक्चुअल में कहीं पे कम्पीट कर पाएगा। लेकिन जैसे तैसे करके एक एक करके रे मिस्टीरियो को जो सारी बुकिंग वगैरह मिलनी शुरू हुई, एंड जब बुकिंग मिलना स्टार्ट हुई, उसके बाद फाइनली जो रे मिस्टीरियो है उन्हें कंपनी से ऑफर आने शुरू हो गए। अब जब कंपनी से ऑफर आने शुरू हुए, उन्हें ECW जाने के लिए मिला, जो पॉल हेमन के उसके लिए थैंक यू वगैरह भी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि WWE कंपनी के अंदर आ रहा उनके लिए सपने की तरह, रीजन उसका यह है क्योंकि WWE के अंदर थोड़े लंबे चौड़े सुपरस्टार है, और रे मिस्टीरियो की हाइट का यहाँ पर कोई है नहीं, तो रे को लगा नहीं था ऐसे कभी कोई दिन आएगा। लेकिन फाइनली एक दिन WWE की तरफ से कॉल आता है कि क्या तुम हमारे साथ में बिजनेस करना चाहते हो, और वहां से रे मिस्टीरियो की शुरुआत होती है WWE करियर की, और धीरे धीरे करके ऑडियंस का इतना प्यार सपोर्ट उन्हें मिला कि आज जो रे मिस्टीरियो है वो इस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब इतनी इमोशनल स्पीच चल रही थी, आई मीन तुम अगर ध्यान से सुनते तुम्हें थोड़ा फील हो जाता, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो लौंडा अपने करेक्टर में अलग चल रहा है, वो खड़ा होता है रिया रिप्ली वगैरह डेमियन प्रीस्ट के साथ में, और बैक स्टेज के ऊपर जाता हुआ नजर आया, रेस को देखे थोड़ा सा उदास होते हैं, वो अलिया वगैरह सबके बारे में बात करते हैं, और आखिरी में एक लंबा चौड़ा थैंक यू कहते हैं एडी गरेरो को, जॉन सीना को, अंडरटेकर को, बटिस्टा को, एज को, कॉनन को, पॉल हेमन को, जितने भी लोगों का रोल है उनके पूरे करियर के अंदर, सभी को थैंक यू कहते हैं, और कुछ इस तरीके से अपनी हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी को एंड करते हुए नजर आए। मुझे लगा रे मिस्टीरियो की तरफ पे रे मिस्टीरियो की तरफ नहीं सॉरी रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक होगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट डोमिनिक ने जो करेक्टर निभाया है अपना हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के अंदर भी, वो लिटरली काफी कमेंडेबल जॉब है, क्योंकि अगर मैं कहूंगा किसी का भी फादर इस तरीके से इंडक्ट हो रहा है इतनी बड़ी चीज के अंदर, वो इतनी इमोशनल स्पीच दे रहा है, उसमें भी अपना कैरेक्टर अपना ऑरा मेंटेन करना, वो एक बहुत कमाल की बात है। रे मिस्टीरियो ने डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपना जो करेक्टर है यहाँ पर लिटरली बहुत अच्छा निभाया है, और कुछ इस तरीके से हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी एंड होती है। कॉमेंट सेक्शन के अंदर चलो जल्दी से थैंक यू करते हैं हमारे 619 रे मिस्टीरियो का, लिटरली इस इंसान ने हमारा चाइल्डहुड बहुत कमाल का बना दिया है। चलो बाय द वे इस वाली वीडियो को भी हम लोग एंड करते हैं, आज चैनल पर और भी काफी सारी वीडियोस आएंगी, तो चलो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, रे मिस्टीरियो को ट्रिब्यूट को लेकर कुछ कहना चाहते हो तो करो कॉमेंट, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।